दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है द साइंस में आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 125 नंबर यह इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए सी के लिए पेट के लिए इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है चाहे वो पी हो चाहे टीच टी हो चाहे सुपर टेट हो सी हो यूपी टेट हो कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें साइंस आती है ये सीरीज दोस्तों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर पाँच से देखिए क्या है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है ऑप्शन ए उत्तल ऑप्शन बी अवतल ऑप्शन सी वर्तलाकार ऑप्शन डी सामान मोटाई का तो आपको बताना है दोस्तों पांच का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए जो कैमरा होता है उसमें उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है उत्तर लेंस को इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं कैमरे में किस लेंस का उपयोग किया जाता उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है जिसको इंग्लिश में कन्वेक्स भी कहते हैं अर्थात कन्वेक्स लेंस आइए डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर पाँच सौ बावन निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है ऑप्शन ए समतल दर्पण ऑप्शन बी अवतल दर्पण ऑप्शन सी लेंस ऑप्शन डी अपसारी लेंस तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर पांच सौ बावन और आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर देखिए दोस्तों अभिसारी लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास पांच सौ त्रेपन पांच सौ तिरपन नंबर क्या है निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को सकेद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण ऑप्शन बी अवतल दर्पण ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी सादा दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा तिरपन और आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर देखिए प्रकाश के सकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है अर्थात केंद्र की के ओर प्रकाश को करने के लिए अर्थात प्रकाश को एकत्रित एक करने के लिए या एकजुट करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसका उपयोग किया जाता अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है अब क्वेश्चन है अपने पास पांच सौ चौवन देखेंगे पांच सौ चौवन नंबर क्वेश्चन ध्वनि तरंगे हैं ऑप्शन ए है अनुधैर्य ऑप्शन बी त्रियक या तिरछि जिसको कहते हैं ऑप्शन सी कभी त्रियक कभी लंबवत ऑप्शन डी कभी लंबवत कभी त्रेयक तो आपको बताना है कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो क्या होती हैं देखिए ध्वनि तरंगे जो होती हैं वे अनुधैर्य तरंगे हैं ध्वनि तरंगे क्या होती वे अनुधैर्य तरंगे होती हैं जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में होता है या होती है तो इस तरंग को अनुधैर्य तरंग कहते हैं फिर से दोस्तों ध्यान दीजिएगा जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में होता है तो इस तरंग को अनुधैर्य तरंग कहते हैं क्या कहते हैं अनुधैर्य तरंग कहते हैं अनुधैर्य तरंग में संपीडन एवं विरलन होता है यह तरंग ठोस द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होता है किसमें सॉलिड में भी होगा लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन ए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास ट्रिपल फाइव पांच सौ पचपन निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है ऑप्शन ए निर्वात में ऑप्शन बी गैसों में ऑप्शन सी द्रव में ऑप्शन डी ठोस में है, गैस है लिक्विड है एंड सॉलिड है आपको बताना किसमें ध्वनि का साउंड की जो स्पीड होती सबसे अधिक होती है तो जो ठोस धातु है उसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है क्वेश्चन नंबर है पांच सौ पचपन और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन डी देखिए पांच सौ छप्पन नंबर जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है ऑप्शन ए पदार्थ का ऑप्शन बी ऊर्जा का ऑप्शन सी द्रव्यमान का ऑप्शन डी कुछ नहीं क्वेश्चन नंबर पांच सौ छप्पन और आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर पढ़ें जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह क्या परिवहन करती है और इसमें आप लोग देख पा रहे ऑप्शन ए क्या है पदार्थ का ऑप्शन बी ऊर्जा का ऑप्शन सी द्रव्यमान का ऑप्शन डी कुछ नहीं देखिए जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो ऊर्जा का परिवहन करती है किसका एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करती है अर्थात ऊर्जा का परिवहन करती है क्वेश्चन नंबर पाँच सौ छप्पन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब क्वेश्चन नंबर है पाँच सौ सत्तावन जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ऑप्शन ए ध्वनि के आयाम से ऑप्शन बी ध्वनि की तीव्रता से ऑप्शन सी ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से ऑप्शन डी ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर से तो क्वेश्चन नंबर है पाँच सौ सत्तावन और आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान ध्वनि की तीव्रता से लगाते हैं अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगी ध्वनि की तीव्रता से अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर है पाँच ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए संचार में ऑप्शन बी बुनने में ऑप्शन सी संगीत के औजार में ऑप्शन डी खाने के उद्योग में क्वेश्चन नंबर है अपने पास पाँच और बताना है आपको कि ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है देखिए ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर संचार में उपयोग किया जाता है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है संचार अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास फाइव फाइव नाइन अर्थात पांच सौ उनसठ आंख के रेटना पर बना बिंब होता है जो आंख के रेटना पर बिंब बना होता है वह कैसा होता है ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा ऑप्शन बी सीधा खड़ा और वास्तविक ऑप्शन सी आभासी और सीधा खड़ा ऑप्शन डी बढ़ा हुआ और वास्तविक क्वेश्चन नंबर है पांच सौ उनसठ और बताना है इसका करेक्ट आंसर देखिए फाइव फाइव नाइन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आंख के रेटना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है जो आंख है उसके रेटना पर जो बिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 560 एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है जो आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती जो निम्नलिखित के लिए स्वीकार हैं ऑप्शन ए है पराबैंगनी किरणें ऑप्शन बी सोडियम प्रकाश ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश ऑप्शन डी अवरक्त किरणें क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 560 देखिए क्वेश्चन क्या है फिर से सुने एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है जो आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है जो निम्नलिखित के लिए स्वीकार है ऑप्शन ए क्या है ऑप्शन बी सोडियम प्रकाश है ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश है ऑप्शन डी हैं देखिए औरणे की सहायता से या किरणों की सहायता से एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्म के प्रयोग से ले सकता है जो आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास पाँच सौ इकसठ देखिए फाइव सिक्स वन यद्यपि पानी पारदर्शक है फिर भी कुहासा में पानी की बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं दिखाई देखी नहीं देखी जा सकती क्योंकि ऑप्शन ए कुहासा हमारे दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ऑप्शन बी अधिकतर प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है जिससे प्रतीत होता है। ऑप्शन सी प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे प्रकाश सीधा प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता है तो क्वेश्चन नंबर पांच सौ इकसठ और इसका करेक्ट आंसर आपको देना है देखिए प्रकाश क्रोनो का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे प्रकाश सीधा प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता है इस कारण पानी पारदर्शक है फिर भी कुआसा में पानी की बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं देखी जा सकती है अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अब क्वेश्चन नंबर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखेंगे पाँच सौ बासठ देखिए फाइव सिक्स टू क्या है अगर प्रकाश का आयतन कोड नब्बे अंश है और अपवर्तन के बाद कोड तीस अंश है तो माध्यम का अपवर्तनी सूचक है ऑप्शन है वन पॉइंट फाइव ऑप्शन बी जीरो पॉइंट फाइव ऑप्शन सी टू ऑप्शन डी वन पॉइंट टू फाइव क्वेश्चन नंबर अपने पास पाँच सौ बासठ और बताना है कि अगर प्रकाश का जो आपतन कोण है क्या है आपतन कोण अगर नब्बे अंश का है तो अपवर्तन के बाद तीस है तो माध्यम का अपवर्तनी सूचक क्या हो जाएगा देखिए अगर प्रकाश का आपतन कोण नब्बे है और अपवर्तन के बाद कोड तीस है तो माध्यम का अपवर्तनी सूचक जो है वह दो हो जाएगा क्या हो जाएगा दो अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास फाइव सिक्स पांच सौ तिरठ एक दो सेंटीमीटर लंबी वस्तु को दस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से पंद्रह सेंटी, सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा ऑप्शन ए दस सेंटीमीटर ऑप्शन बी बीस सेंटीमीटर ऑप्शन सी तीस सेंटीमीटर ऑप्शन डी चालीस सेंटीमीटर तो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों अपने पास पांच सौ तिरसठ और बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए प्रतिबिंब दर्पण से तीस सेंटीमीटर की दूरी पर होगा अर्थात करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब क्वेश्चन नंबर है पाँच सौ चौंसठ देखते हैं फाइव सिक्स फोर प्रिज्म का कोण साठ अंश है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अंडर रूट दो है एक किरण पैंतालीस अंश के कोण पर आपतित होती है निर्गत किरण द्वारा बना कोण है ऑप्शन ए तीस अंश ऑप्शन बी साठ अंश ऑप्शन सी पैंतालीस अंश ऑप्शन डी जीरो अंश क्वेश्चन नंबर है पाँच सौ अब देखेंगे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा निर्गत किरण द्वारा बना जो कोड है वह तीस अंश का होगा कितने का तीस अंश का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास पाँच सौ पैंसठ पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः चार बटे तीन व तीन बटे दो है कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः चार बटे तीन व तीन बटे दो है कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए है दो ऑप्शन बी नौ बटे आठ ऑप्शन सी आठ बटे नौ ऑप्शन डी जीरो पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर क्या है पांच सौ पैंसठ और इसका आपको एग्जैक्ट आंसर बताना देखिए कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है पानी का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक तो चार बटे तीन कर देंगे बटे तीन बटे दो कर देंगे तो चार बटे तीन गुणा दो बटे तीन इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आठ बटे नौ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या आएगा आठ बटे नौ आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग पाँच सौ किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता रहता है क्वेश्चन नंबर क्या है पाँच सौ किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है ऑप्शन ए अपवर्तन से ऑप्शन बी परावर्तन से ऑप्शन सी विवर्तन से ऑप्शन डी पूर्ण परावर्तनी से आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता रहता है अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन डी करेक्ट है अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास पांच सौ सड़सठ फाइव सिक्स सेवन देखेंगे हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं इसका कारण क्या है देखिए जब सूर्य निकल निकलने के पहले आपको रेड कलर हल्का सा दिखाई पड़ता और जब सूर्य डूब जाता उसके बाद भी रेड कलर हल्का सा सर्कल में दिखाई पड़ता ऐसा क्यों इसका रीजन क्या है तो इसके रीजन के लिए आपके पास चार ऑप्शन है बताने परावर्तन के कारण ऑप्शन बी प्रकरण के कारण ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण ऑप्शन डी विवर्तन के कारण देखिए दोस्तों अपवर्तन के कारण सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है अपवर्तन अब क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है पाँच सौ अड़सठ है ठीक है पाँच सौ अड़सठ में देखेंगे क्या दिया गया है प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का ऑप्शन ए आयतन कम हो ऑप्शन बी क्षेत्रफल अधिक हो ऑप्शन सी क्षेत्रफल कम हो ऑप्शन डी आयतन अधिक हो देखिए दोस्तों आपको बता दें परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है क्वेश्चन नंबर है पांच सौ और इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्षेत्रफल अधिक होने पर थोड़ी सी जानकारी और ले लें इसमें जो ध्वनि परावर्तक सतह से परावर्तित होने के बाद पुनः सुनाई देती है, उसे उस ध्वनि की प्रतिध्वनि कहते हैं क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम सोलह दशमलव या सत्रह मीटर की दूरी होनी चाहिए कितनी सत्रह मीटर की लगभग दूरी होनी चाहिए कान पर ध्वनि का प्रभाव एक बटे दस सेकेंड तक रहता है इसे श्रुति निर्बंध भी कहते हैं श्रुति निर्बंध या श्रुति निर्बद्ध भी कहते हैं तो फिलहाल है, है, बी अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास फाइव सिक्स नाइन पांच सौ उनहत्तर वाई में ध्वनि का लगभग वेग है ऑप्शन ए तीन सौ तीस मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन बी 220 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 110 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 232 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको बताना है कि जो हवा है उसमें ध्वनि का ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, साउंड की स्पीड कितनी होती है तो दोस्तों यह होती 330 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए करेक्ट है अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 570। ध्वनि का वेग निर्भर करता है ध्वनि का जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए तीव्रता पर ऑप्शन बी स्वरूप पर ऑप्शन सी तरंग धैर्य पर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर पांच सौ सत्तर आपको बताना है ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है देखिए ध्वनि का वेग तरंग धैर्य पर निर्भर करता है अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का अब क्वेश्चन है अपने पास पाँच निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर होती है ऑप्शन ए लाल ऑप्शन बी बैगनी ऑप्शन सी पीला ऑप्शन डी हरा तो क्वेश्चन नंबर है पाँच निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर होती है देखिए लाल रंग की जो तरंग दैर होती है वह सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग की तरंग दैर होती सबसे कम लाल रंग आपने देखा होगा दूर तक दिखाई पड़ता है चाहे कोहरे में हो चाहे अंधेरे में हो तो तरंग दहर सबसे अधिक किसकी होगी रेड कलर की सबसे कम जो होती है वह बैगनी की होती है इस बात को आप लोग ध्यान रखें तो अपना क्वेश्चन किस रंग की सर्वाधिक तरंग दहर होती है तो रेड कलर की अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास पाँच सौ बहत्तर सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकरण सबसे अधिक होता है ऑप्शन ए लाल ऑप्शन बी हरा ऑप्शन सी नीला ऑप्शन डी बैगनी क्वेश्चन नंबर है 572 सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है देखिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 573 किस रंग का तरंग दहर कम होता है किस रंग का तरंग दहर सबसे कम होता है अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों बैगनी रंग का जो तरंग दहर है वह सबसे कम होता है अगर इसी जगह क्वेश्चन जो पहले मैंने बताया था कि तरंग दहर अधिक किसका होता है? लाल रंग का अर्थात जो रेड होता है रेड कलर उसका जो तरंग दहर है वह अधिक है और जो बैगनी उसकी तरंग दहर कम है बट अगर इसी जगह पूछा जाए कि प्रकीरण किसका अधिक है तो बैगनी रंग का जो प्रकीरण होता है डियर स्टूडेंट्स वह अधिक होता है देन लाल रंग लाल रंग का प्रकीरण कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीरण अधिक होता है ठीक है जिसकी तरंग दहर्य कम है उसमें प्रकीरण अधिक होता है और जिसकी तरंग दहर ज़्यादा है उसमें क्या हो जाएगा देखिए जिसकी तरंग दहर कम है तो उसका प्रकिरण अधिक है तरंग दैर कम प्रकीर्ण अधिक अर्थात बैगनी और जिसका प्रकीर्ण सबसे कम उसका तरंग दैर अधिक तरंग दैर जिसकी ज़्यादा होगी अर्थात लाल की उसकी जो प्रकीर्ण की क्षमता है वह सबसे कम होगी तो अपना क्वेश्चन है पाँच किस रंग का तरंग दैर सबसे कम है ऑप्शन ए करेक्ट है अब अपने पास क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे पाँच ध्वनि तीव्रता की डेसीबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता अर्थात हम लोग कितने डेसी तक वैल्यूम सुन सकते हैं डेसी क्या है ये ध्वनि मापने की या नापने की एक यूनिट है इकाई है इसी में ध्वनि को नापते हैं या मापते हैं देखिए ध्वनि तीव्रता की डेसी में नाइन्टी फाइव से ऊपर जिसे व्यक्ति सुन नहीं सकता है कितना नाइन्टी फाइव के ऊपर व्यक्ति नहीं सुन पाता है औस्तन अगर पूछी जाती तो 30 से चालीस तक होती है बट अपना क्वेश्चन था कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की ध्वनि तीव्रता डीसी बल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता तो आंसर हो जाएगा 95। ऑप्शन डी अब क्वेश्चन है अपने पास 575। सौ पचहत्तर समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता है ऑप्शन ए पल्सर ऑप्शन पी क्वार्ट्स क्लॉक ऑप्शन सी एटॉमिक क्लॉक ऑप्शन डी व्हाइट ड्वार्फ तो क्वेश्चन नंबर है पाँच सौ पचहत्तर और बताना है कि समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से कौन मापता है देखिए समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से क्वार्ट्स क्लॉक मापता है क्या क्वार्ट्स क्लॉक अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है क्या है ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों उम्मीद है सीरीज आपको पसंद आई होगी दोस्तों ये सीरीज स्पेशली फॉर है रेलवे के लिए जिसके एग्जाम वर्तमान में चल रहे हैं इस सीरीज में जितने भी दोस्तों क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जितनी भी मेरी टोटल सीरीज हैं 125 सभी में रेलवे के प्रीवियस ईयर के आए हुए एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं तो इसे आप अधिक से अधिक देखें लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों जय हिंद जय भारत